वेलकम टू लेडीवेटर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज जाएंगे हम बड़कल झील, और अभी मैं कश्मीरी गेट हूँ। यहाँ पे बज चुके हैं 11:17 और लगभग यहाँ से 45 मिनट का डिस्टेंस है बाय मेट्रो, और देखते हैं आगे होता क्या है। फिलहाल मैं आना के मूड में था, हाँ या जाऊँ या नहीं जाऊँ, और अब मैं फाइनली जा रहा हूँ। यहाँ से चलते हैं आगे। बड़कल मोड़ जो है वहाँ से मैं बाहर निकल चुका हूँ। बैक साइड में देख सकते हैं आप, हैवी ट्रैफिक चल रहा है, और इस तरफ से एग्ज़िट कर लिया मैंने फुट ओवर ब्रिज से गेट नंबर 3 की तरफ से। और एक बंदा मिला था मेरे को मेट्रो में, बहुत ही औसम बातें कर रहा था, लाइक आजकल बच्चे पबजी खेल रहे अगर वगैरह, वो बातें चली, काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ तक बीता। और वाले ने चौराहे पे उतार दिया मेरे को बड़कल चौराहे पे, और 10 रुपये उसको दिए थे मैंने यहाँ तक के आने के। अब यहाँ से पैदल जाने होगा मेरे को आगे, ये ऐसा बात बता रहा, तो आगे चलते हैं। पार्किंग बहुत सारी हो रही है और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं इस साइड, आई थिंक यहीं पे हो, ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, खंडर है, थोड़ा सा दूर है 100 से 150 मीटर अगर यही जगह है तो यहाँ पे, तो आगे चलते हैं। काफ़ी खुला ग्राउंड है, लग रहा है कि हरियाणा सरकार की भूमि में आए हैं। सो फाइनली ऊपर को चलते हैं, यहाँ पे इस तरीके की सीढ़ी नुमा है, अब देखते हैं यहाँ पे है क्या। सबसे पहले सामने इस तरीके का नज़ारा है, इस तरफ कार किसके लिए है, अबे ये तो सूख चुकी है। भाई साहब पहली बार ट्रैवलिंग के मामले में ऑटो वालों तो एक बार ही ठग लेते हैं, मगर मैं पहली बार बताऊं बड़कल झील देखने आया था, पर ऐसा ठगा गया हूं कि क्या बताऊं। मैं क्यों ठगा गया हूं वो मैं आपको दिखा देता हूं। बैक साइड में देख सकते हो ये झील है, क्या है यहां पे, कुछ भी नहीं है, मिट्टी है, पानी। भैया एक से पूछा मैंने, भैया पानी कहाँ गया, तो बोलते हैं आप जल्दी आ गए हो, 2021 में आना तब आएगा पानी यहाँ पे। सो आगे चलते हैं, जहाँ तक आपको ये पहाड़ियों दिख रही हैं यहाँ तक पानी रहता अगर होता तो, अब देख सकते हैं बिल्कुल खाली हो चुकी है, जंगल बन चुका है। ठीक है, एक दो जन से बात करी तो मैंने, उन्होंने कहा कि सिर्फ काम चल रहा है, 2021 में इसमें पानी आएगा। आई होप, देख सकते हैं इस साइड काफ़ी बसावट है लोगों की, और इसमें गाय भैंस चल रहे हैं, और दूसरा बच्चे क्रिकेट खेलने के काम आ रहा है यहाँ पे। तो फाइनली देख सकते हो एक कृत्रिम झील थी, पेड़ सूख चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और पानी का एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता कि कब से यहाँ पे नहीं है, मगर एक अच्छा फील्ड बन चुका है लोगों के लिए इसको। और कृत्रिम झील थी मतलब कि इसे मानव निर्मित या मानवों ने बनाया था इसको, ये ऐसा मेरे को हिस्ट्री से पता चलता है। अब इसकी रियल वजह क्या रही, ग्राउंड लेवल वाटर रहा या फिर इसको रिचार्ज करने के सोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं, वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। इस पर लिखा है हरियाणा टूरिज्म STC बड़कल लेक, विजिटर गेस्ट आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग क्लिकिंग सेल्फीज एंड फोटोग्राफी टू अवॉइड एनी अनवांटेड इंसिडेंट एक्सीडेंट। भैया ये तो लोगों के लिए चेतावनी है, मगर ये झीली एक्सीडेंट का शिकार हो चुकी है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा। और यहाँ पे लोग, ये झाड़ उग चुके हैं खरपतवार, और लोगों ने इसका मतलब एक यूज़ ये निकाला है कि हम लोग इसमें ऐसे अपने घर के लिए जलावन वाली लकड़ियाँ यूज कर लें, और ज़्यादातर मेरे को इसी तरीके के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक अच्छा सा फील्ड बन गया है, हॉर्स राइडिंग साइड में कर रहे हैं, एक मेरे को भाई साहब दिख रहे हैं हॉर्स राइडिंग करते हुए, देख सकते हो ये आ रहे हैं दूल्हे साहब, इनको बोल सकते हो। सामने पत्थरों की एक चट्टान विशाल श्रृंखला दिख रही है, इस पत्थरों से घर बनाया जाए, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। चलो आगे चलते हैं यार, बहुत मूड ख़राब हुआ है मेरा, जिस तरीके की मैंने सोची थी ये झील, बड़कल झील कितना अच्छा नाम है इसका, झील डूब चुकी है, गई भैंस पानी में हो चुका है यहाँ पे, आगे चलते हैं।
ऊपर था मैं और नीचे आ गया हूँ, अब इस पे चलेंगे नीचे बड़कल झील के अंदर। और जैसा नाम सुना था मैंने लोगों से कि वहाँ पे पानी है, बोट चलती है, देखो क्या चल रही है यहाँ पे, कुछ भी उल्लू बनिया खड़े खड़े। जिस टाइम इसका निर्माण हुआ होगा या जो भी हुआ होगा उस टाइम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई होंगी, आज वो सारी चोचले साबित हो रही है। इधर लोग जलावन की लकड़ियाँ ले जा रहे हैं यहाँ से, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, देख सकते हो। वहाँ पे खड़ा था मैं पेड़ के पास, वापस नीचे आ गया हूँ। झील के बीचों बीच चल रहा हूँ मैं इस वक्त। सामने आपको चट्टान दिख रही है, मेरे को चट्टान पे चढ़ना है और साथ ही या फिर जो भी है, आज मज़ा नहीं आया जितना एक्साइटेड था मैं, वो बात नहीं रही यहाँ तक। ओ शिट, कांटा घुसा। तो यार क्या बताऊँ, आप बैक साइड में देख रहे हैं चट्टान सी, उसके ऊपर चढ़ता हूँ, वहाँ से व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। और काफ़ी कटीला रास्ता है यहाँ पे यार, मैं किधर से जाऊँ, हल्ला भी मचा रहे हैं और जैकेट ना फट जाए मेरी। यार कांटे घुस गए, सामने देख सकते हैं चट्टान है बहुत बड़ी और यहाँ पे झाड़ियाँ हैं इस तरफ देख सकते हो, वहाँ पे खड़ा था मैं। अब यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, पत्थर बहुत सारे हैं जिसको मकान बनाना ले जा सकता है, इससे ऊपर मैं जाऊँगा। बड़ी चट्टान है भाई, और यहाँ से कुछ व्यू बदलता हुआ, इतने सारे पत्थर देख सकते हो ऊपर, कितने पत्थर हैं। और आप मेरे को ऊपर चढ़ रहा हूँ ये, यहाँ से आई थिंक गलत आ गया हूँ क्या, बैक साइड में देख सकते हो ऊपर जाना है। यार जूते ना फिसले मेरे, वीडियो के चक्कर में नुकसान हो जाएगा मेरा। ओहो काफ़ी बड़े पत्थर हैं देख सकते हो, बड़का लेक है ये ना। यहाँ तक देख सकते हो पत्थर ही पत्थर, अब घूमने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि वो भी दिख गया मेरे को, वो भी खाली है और साथ ही इस तरफ भी खाली है। और वहां तो मैं था ही जहाँ क्रिकेट खेलने में बोलो, वहां तो खत्म ही है पूरा ना। देख सकते हैं चढ़ रहा हूँ इनके ऊपर, और देख सकते हैं नीचे को जा रहे हैं। वहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो हनुमान जी भी हैं बहुत बड़े से।
ऊपरी साइड में गेस्ट हाउस जैसा लग रहा है कुछ मेरे को। ऊपर चलते हैं, यहाँ तो आपने देख ही लिया क्रिकेट अकेडमी बन गई है ये। और झील के इस तरफ से मैं आया था, ऊपर चल रहे हैं जीने से, ठीक है। अब बड़गल झील के जिस तरफ मैं कट बता रहा था उसी तरफ आया हूँ मैं, रेस्ट रूम की तरफ। इधर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं और मेरे बैक साइड में देख सकते हो बोटिंग है, लोग भी काफ़ी हैं। इस तरफ मैं देखता हूँ अब इधर है क्या चीज़। वाकई में काफ़ी भीड़ है मेरे सामने, लोग बहुत सारे हैं, गाड़ियाँ भी हैं। इस तरफ मेरे को कुछ लग रहा है। फाइनली अब मेरे को पता चला कि इधर कुछ भी नहीं है, लोगों ने गाड़ी पार्क करके संडे इन्जॉय कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी इधर सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और कुल मिला करके इधर पत्थर और झाड़ियों के बीच में ख़त्म हो चुकी है बड़कल झील। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और मेरे को कुछ और काम है उनको मैं फाइनली फिनिश करता हूँ। देन उसके बाद मिलते हैं नई जगह नई वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाय बाय।